एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। वैसे तो आपने एक नहीं तमाम शिव मंदिरों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आई इंडिया आपको एक ऐसे शिव मंदिर के इतिहास से रूबरू कराने जा रहा है जिसका नाम सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का नाम ही अन्य शिव मंदिरों से अलग है। जी हाँ, हम जिस मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं मेढक मंदिर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यह मंदिर यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा ओयल में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में मेढक जीव की पूजा की जाती है। जी हाँ, मेढक नहीं बल्कि इस मेढक की पीठ पर शिव जी ही विराजमान है। वैसे तो बताया जाता है कि यह देश का ऐसा अकेला मंदिर है जहां मेढक की पूजा की जाती है। मानता है कि इस मंदिर का निर्माण बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए किया गया था। मंदिर की एक खासियत यह भी है कि यहां पर नंदी की जो मूर्ति स्थापित है वह खड़ी मुद्रा में है, जबकि आमतौर पर शिवालयों में नंदी की मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में देखी जाती हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक यहाँ स्थापित शिवलिंग रंग बदलता रहता है। मंदिर में गौर से देखने पर ऐसा एहसास होता है कि तांत्रिक देवी देवताओं की मूर्तियां चारों तरफ लगी हुई हैं। मंदिर की कलाकृति ऐसी है कि मंदिर के सामने ही मेढक की मूर्ति का दर्शन होता है, और जब मंदिर के पिछले भाग से श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो भगवान शिव का पवित्र स्थल दिखाई पड़ता है। सावन के पहले सोमवार को तमाम शिव भक्तों ने भगवान का जल और दूध से अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी रविंद्र पांडे ने आई इंडिया को बताया, हमारे जो ननिहाल है उसका वजूद भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसके सबसे पहले पंडित जो पुरोहित रहे वो सहतावन लाल दीक्षित जी रहे, जो तांत्रिक सिद्धि किए हुए थे और वही यहाँ की पूजा करते थे। और वो मूल निवासी जो है वो शाहजहानपुर के पास है कुरनिया कला, वहाँ के रहने वाले थे। और उनकी परपोती जो थी वो मोतीपुर में पंडित राजा राम अवस्थी जी थे, उनके बेटे विनोद अवस्थी को ब्याही थी। इस नाते इस मंदिर से हम लोगों का बचपन से भी साथ है और स्नेह भी है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण ओयल के जमींदार राजबख्श सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर निर्माण के पीछे की रोचक कथा यह है कि राजा बख्श सिंह के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक तांत्रिक पुजारी से अपनी मंशा व्यक्त की। तांत्रिक पुजारी ने शिव मंदिर बनाने के लिए कहा, लेकिन तांत्रिक परंपरा के अनुसार मंदिर निर्माण के पहले मेढक की बलि देने के लिए कहा गया। उसी बलि के प्रतीकात्मक स्वरूप में मेढक मंदिर का निर्माण कराया गया। इसीलिए मंदिर निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक विशालकाय मेढक मंदिर को अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। मेढक के पिछले भाग पर एक चौकोर आकार में निर्मित शिव का मंदिर है जो कई फीट ऊंचा बना हुआ है। वहां पर सीढ़ियों से पहुंचना पड़ता है। मान्यता ऐसी भी है कि तांत्रिक विद्या के अनुसार मंदिर का निर्माण अष्टकोटि कमल के स्वरूप में हुआ है। दीवारों को तांत्रिक देवी और देवताओं की नक्काशी के साथ उकेरा गया। मंदिर में दीपावली और महाशिवरात्रि पर्व पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आई इंडिया ने मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु से मान्यता के बारे में जानकारी ली। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। इस मंदिर की यह मान्यता है कि ऑयल स्टेट के बहुत प्रतापी राजा रहे हैं राजा बख्श सिंह, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया कराया गया था लगभग ये 400 वर्ष। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड 9th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट 3rd रैंक इन सिटी। Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So, hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।